आपके कुछ सवाल थे जो मैं जवाब दे रहा हूँ उनके। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे, आज मैं उनके आंसर दूंगा। पहला सवाल था आपका, शहनाज किस तरह का गेम प्ले कर रही है? शहनाज आप सभी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया गेम प्ले कर रही है। जो भी वो नई नई गई थी, उसको इतना कुछ पता नहीं था कि वो उसको क्या करे। पारस की तरफ जा रही थी, कभी सिद्धांत की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो गेम में, इतना टाइम हो गया उसको घर पे रहते हुए, हम लोग तो 1-1.5 घंटे का एपिसोड देखते हैं, लेकिन वो लोग 24 घंटे घर में रहते हैं, वो हमें पूरा नहीं दिखाया जाता क्या होता है उस घर में। उस हिसाब से अभी वो गेम समझ गई है कि गेम क्या है, तो कहीं ना कहीं उसने गेम समझ लिया है और अभी वो गेम जो है बहुत अच्छा प्ले कर रही है। और दूसरा सवाल था आपका, शहनाज और सिद की दोस्ती को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? तो दोस्ती जो है सिद और शहनाज की, एक मैंने कभी ऐसी दोस्ती किसी को नहीं देखी, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को समझते हैं। अगर मैं भी एक बिग बॉस का फ़ैन हूँ, फैंस की तरह मैं देखूँ तो मैं भी सिद नाज का फ़ैन हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती जो है बहुत अच्छी है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जो अभी उसने पारस का पत्ता काट दिया। कहीं ना कहीं हमें डर लगा रहता था कि वो कहीं पारस के पास ना चली जाए सिद को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको फ्लिपर भी बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी फ्लिपर वाला जो टैग है मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए उसको, क्योंकि अभी तो वो सिद के साथ ही रहेगी और सिद के साथ ही गेम खेलेगी। हो सकता है वो अभी घर में भी अच्छे दोस्त हैं और मेरे को लग रहा है कि वो घर के बाहर आकर भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तो तीसरा सवाल है आपका, शहनाज के फैंस उनका लव एंगल देखना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये तो उनकी वही जाने, दोस्ती अच्छी है उनको उनकी, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अगर वो लव एंगल उनका शुरू होता है तो वो उन पे डिपेंड है, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो बाहर आके शादी भी करनी चाहेंगे तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ एक सिद्ध जो है एक सुलझा हुआ आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, तो स्टैंड लेता है हर बात पे, तो मुझे भी वो बहुत पसंद है। तो